हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियोस डे बाय डे मैं अपलोड कर रहा हूं और आपका बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड यू आर लर्निंग वेरी वेल एंड यू आर आस्किंग योर प्रॉब्लम्स आल्सो जो कि मैं रिजॉल्व भी कर रहा हूं। ग्रेविटेशन में अभी तक सिर्फ दो वीडियो दी थी, जिसमें एक में न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ और एक वीडियो में एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कवर्ड थे। यह वीडियो नेक्स्ट पार्ट उसका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो कवर करेगी और इसमें लास्ट पे मैं आपको वो क्वेश्चन बता दूंगा जो अगर आपको एमसीक्यू में आए तो कैसे आंसर करना है और अगर 3, 4, 5 मार्कर में आए तो कैसे आंसर करना है, ये आपको लास्ट पार्ट में मैं बता दूंगा। ये सारे टॉपिक मैंने कवर करने, इसमें ये जो टॉपिक है उनके लिए विद इन 2 मिनट्स मैं आपको जस्ट फॉर रिविजन सेक मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि वो डिटेल लेंथ वाइज प्रीवियस वीडियोस में कवर्ड है। देखें, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन क्या है। न्यूटन्स की ऑब्जर्वेशन ये थी कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उस फार्मूले से साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा के कॉन्स्टेंट जी इंट्रोड्यूस करके ये फार्मूला आया था विच इज कॉल्ड फार्मूला फॉर न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। देखिए, इसमें दो वर्ड है, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन। तो आपको मैंने बताया एनी टू यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा देन वी यूज द वर्ड ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन इज यूनिवर्सली फॉर एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, बट ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी तब यूज होगा व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज अर्थ एंड अदर ऑब्जेक्ट इज आइदर ऑन द अर्थ और नियर बाय अर्थ। तो उस केस में वी यूज द वर्ड ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्ट हमने फिक्स कर दिया अर्थ को, तो ग्रेविटी, एनी टू यूनिवर्सल बॉडीज तो ग्रेविटेशन। तो इसकी भी डिटेल आपको फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, जरूर वॉच कर लेना और इस लॉ को भी। अब ये आता है कि दिस फार्मूला g = gm/r² हाउ इट इज डिराइव्ड, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस और ये कहां कहां न्यूमेरिकल्स में हेल्प करता है, तो इसके बारे में पहले डिस्कस करना है। तो देखिए, आई एम टॉकिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ और नियर बाय द अर्थ। लेट अस सी अर्थ और इस पे कोई सा ऑब्जेक्ट सपोज ये है, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज प्रैक्टिकली इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। रीजन बीइंग, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बड़ी स्मॉल है, तो वी कंसीडर एनी ऑब्जेक्ट ऑफ मास m लाइंग ऑन अर्थ और नियर बाय अर्थ। नाउ एज पर न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम विल बी गिवन बाय जी, ये यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, एम मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट है और आपको मैंने बताया डिस्टेंस बिटवीन देम इज प्रैक्टिकली टेकन एज रेडियस, रीजन बीइंग ऑब्जेक्ट की साइज बड़ा छोटा है। देन अगर ये एफ है तो वी कैन से दिस फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन इन द बॉडी विच इज गिवन एज पर न्यूटन्स सेकेंड लॉ विच इज एफ इज इक्वल टू एम ए, बिकॉज दिस एक्सेलरेशन इज कॉज्ड बाय अर्थ, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इट कैन बी रिप्लेस एज जी। ध्यान देना मैंने क्या बताया, जब हम लीनियर वे में बॉडी मूव करती है तो इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन और अगर कोई बॉडी फ्री फॉल में अप या डाउन मूव करती है तो दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, सो इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ली जाती है। तो इन दोनों को कंपेरिजन करें बाई क्वेश्चन 1 and 2, वट वी गेट एम जी इज इक्वल टू जी m m upon r square, now cancelling small m with small m, what we get g is equal to gm upon r square, hence the formula is derived। देखिए, आपको
मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है कि अगर आप मेरी वीडियोस को वॉच करते हो तो एक रिक्वेस्ट है कि आप एक रजिस्टर पेन लेके जरूर बैठो एंड जॉट डाउन व्हाट आई एम सेइंग, तो आपके इक्विवेलेंट तो नोट्स हो जाएंगे, फिर आपको कहीं और रेफर करने की नीड नहीं पड़ेगी, तो वो काम जरूर करें आप। तो फार्मूला डिराइव होगा जी इक्वल जीएम अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए किसकी कितनी इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन है। यह फार्मूला ये बताता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, चाहे उसका मास 1 ग्राम हो या 1000 किलोग्राम हो या 1 लाख किलोग्राम हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ प्लेनेट एंड रेडियस ऑफ प्लेनेट। ये तो कॉन्स्टेंट है, तो ये फार्मूला ये भी बताता है कि किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड उस बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता। बी क्लियर अबाउट इट, इट डिपेंड्स अपॉन कि जहां आप खड़े हो उस प्लेनेट का मास कितना है, उस प्लेनेट की रेडियस कितनी है। तो यहां पर क्लियर कर लें कि इसकी इंप्लीकेशन ये है कि मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है जी की वैल्यू। और इसका जहां तक डेरिवेशन की बात है, आपको डेटा गिवन होता है मास ऑफ अर्थ इज दिस मच, रेडियस ऑफ अर्थ इज दिस मच, आप वैल्यू प्लेस कर दें। सिंप्लीफिकेशन के न्यूमेरिकल में बाद में बता दूंगा किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। अल्टीमेटली यू गेट द वैल्यू ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो विच इज एप्लीकेबल ऑन द होल ऑफ अर्थ। देन मास और वेट, देखिए इसके अंदर आप कॉन्सेप्ट वाइज मैं सिर्फ 1 मिनट में क्लियर कर देता हूं, अदरवाइज इस पे एक मेरे चैनल पे शॉर्ट है जिसमें सारे डिफरेंसेस समझाए हुए हैं विद इन 40 सेकेंड्स, और एक फुल फ्लेज वीडियो है जिसमें सारे डिफरेंसेस विद डिटेल आपको बताए हुए हैं। बट फिर भी आपको मैं शॉर्ट में बता दूं कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है। मास है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, और वेट है फोर्स विद विच द ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो आप समझ लें प्रैक्टिकली कैसे। सपोज मेरे पास कोई लेट अस से मेटल रॉड है, मैं इसमें बोलता हूं कि लेट अस इसके अंदर 10 करोड़ पार्टिकल्स है, तो मैं कह रहा हूं 10 करोड़ पार्टिकल्स है, तो ये 10 करोड़ पार्टिकल्स रहेंगे चाहे आप यहां खड़े रहो, आप चाहो तो वीनस पे चले जाओ, मरकरी पे चले जाओ, जुपिटर पे चले जाओ, 10 करोड़ पार्टिकल्स मीन्स 10 करोड़ पार्टिकल्स, ये चेंज नहीं होता। बट अब वेट क्या बताया मैंने आपको, वेट बताया फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। जैसे अर्थ पे है, अर्थ पे जो जी की वैल्यू है वो आप ये समझ ले जो मैं कह रहा हूं फोर्स, उसका मीनिंग ये है कि कितनी फोर्स से वो प्लेनेट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, विच इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर वो ज्यादा हो जाएगा तो वेट भी ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए वेट है एम जी, वेट डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, और जी की वैल्यू अगर बढ़ गई तो वेट बढ़ जाएगा, पार्टिकल्स उतने ही है वो चेंज नहीं हुए, जी की वैल्यू लेस हो गई तो वेट भी लेस हो जाएगा। जैसे सपोज आप जुपिटर का केस लें, जुपिटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में नियरली 2.5 टाइम्स है, नियरली 2.5 टाइम्स। तो आप ये समझ लें जिसका वेट यहां पर आप 10 किलोग्राम रखोगे, 10 किलोग्राम मेजर करोगे, उसी का ही वेट जुपिटर पे जाके अप्रोक्सीमेटली 25 किलोग्राम हो जाएगा, बिकॉज उसकी अट्रैक्शन टू अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज 2.5 टाइम्स मोर, बट मास उतना का उतना ही रहेगा बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हमने एज्यूम किए 10 करोड़ दे रिमेन सेम। क्लियर है। अगर वही सपोज यही मेटल रॉड लेट अस से आप मून पे ले जाएं, तो जितना वेट आप यहां ऑब्जर्व करते हो वहां पर जाकर 1/6 ऑफ दैट हो जाएगा एज कंपेयर टू अर्थ। रीजन बीइंग मून का अगर आप एम और जी प्लेस करके देखो, डेटा अगर आपको गिवन हो, तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस फिगर का 9.8 का 1/6 आता है। तो दैट इज वो डिपेंड करेगा, वेट डिपेंड करेगा कि आप कहां खड़े हो, उस प्लेनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, बट मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट, मास तो पार्टिकल्स की काउंटिंग से है और वो सेम रहेगा, वो नहीं बदलता। देन अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप ये प्रूव करके बताओ कि वेट ऑन मून किसी भी ऑब्जेक्ट का इज 1/6 एज कंपेयर टू वेट ऑन अर्थ। तो देखिए इसका एक तरीका तो यह है कि आप जैसे एनसीईआरटी में गिवन है तो आपको वे मास ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ,
रेडियस ऑफ मून और रेडियस ऑफ अर्थ डेटा वाइज पता होने चाहिए, हाउ मच किलोमीटर्स एंड हाउ मच किलोग्राम। तो डेटा फिल करके भी हो सकता है, बट वेरी यूजली जो स्कूल्स में मैं भी देखता हूं जो टीचर्स देते हैं ना, वो ये देते हैं कि प्रूव दैट वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 एज कंपेयर टू वेट ऑन अर्थ गिवन दैट, बस इतना दे देंगे, गिवन दैट मास ऑफ अर्थ इज नियरली 100 टाइम्स मास ऑफ मून एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज नियरली 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून, इतना ही गिवन होगा, बाकी सारा आपको अपने आप करना है। तो देखिए इसमें स्टार्ट कैसे करेंगे, अब मैं जो बोल रहा हूं वो आपको लिखना है, क्योंकि एग्जाम में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th और 10th में नॉलेज तो जरूरी है ही, प्रेजेंटेशन इतना ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया तो बिकॉज मार्क्स स्कोर करना है, ये कोई IIT लेवल का एग्जाम नहीं टिक करके आ जाने हैं, वहां नॉलेज चाहिए, बट यह नॉलेज प्लस प्रेजेंटेशन चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो लिखेंगे हम ये, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज केप्ट ऑन मून वेयर m इज द कैपिटल m कह रहा हूं, m इज द मास ऑफ मून एंड r इज द रेडियस ऑफ मून, क्लियर है। तो देन इसमें अगर मैं कहूंगा वेट ऑन मून इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, रीजन बीइंग जो एक्सर्शन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सिर्फ इन्हीं बात पे डिपेंड कर रही है, मैं अगर वेट कहूंगा तो एम हटा दूंगा ओनली जी ले लूंगा, और अगर ओनली जी कहूंगा तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि वेट ऑन मून इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर बिकॉज वेट वेरीज विद एक्सर्शन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर यही ऑब्जेक्ट हम अर्थ पे लाएं तो उस पे वेट ऑन अर्थ विल बी जी एम, को आपने कहा मास ऑफ अर्थ इज 100 टाइम्स, ये हो गया, आपने स्मॉल एम लेना है तो वो भी ले सकते हैं, बट वो दैट विल कैंसिल आउट, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। और उसके बाद रेडियस कहा है 4 टाइम्स, तो इट मींस 4 आर द होल स्क्वायर, दो इक्वेशन बनी, फॉर वेट ऑन मून फॉर वेट ऑन अर्थ। अब आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, आप लिखोगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो आई विल राइट वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ, LHS से LHS डिवाइड होगी, RHS से RHS डिवाइड होगी, पहले ये लिखा जाएगा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू, अब ये क्योंकि मैं डिवाइड को इंटू में कर रहा हूं तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, तो इट विल बी 16 आर स्क्वायर ये वाला अपॉन 1 अपॉन ये जी पूरा आएगा जी स्मॉल एम कैपिटल एम और 100, क्योंकि अगर ये 16 आर स्क्वायर तो इन्वर्ट होकर 100 mmg सारा सेम आएगा। देन इसमें आप आर स्क्वायर का आर स्क्वायर से कैंसिलेशन करें, gmm का gmm से कैंसिलेशन करें, वी गेट 16 अपॉन 100 विच इज 4 अपॉन 25 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/6, ये ध्यान रखना ये इज इक्वल टू है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है 1/6, ये चल रहा है WM बाय WE, ये फिगर अगर यहां आएगी तो वी कैन राइट वेट ऑन मून इज 1/6 वेट ऑन अर्थ, हेंस प्रूव्ड। तो देखिए किस तरह से प्रूव किया, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट ऑन मून इज 1/6 एज कंपेयर टू वेट ऑन अर्थ, रीजन बीइंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पर 1/6 है, किसी का भी वेट अपने आप ही 1/6 हो जाएगा। तो आप इसे इस तरह से प्रूव कर सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी में भी गिवन है, एनसीईआरटी में डेटा वाइज गिवन है किलोमीटर्स और किलोग्राम के अंदर, बट यू नीड नॉट रिमेंबर दैट डेटा, यूजली किसी भी स्कूल में ऐसा नहीं करते कि आप स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करें कि उसको मास और रेडियस सारे प्लैनेट्स के पता हो, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड। देन ये आ गया बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। अब इसमें इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको ऐसा सिखा देता हूं कि आपका कोई क्वेश्चन गलत हो ही ना। देखिए मैं आपको बताऊं एनसीईआरटी में किस तरह क्वेश्चन है और कितने इससे एक्सटेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट विल हैपन टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इफ मासेस ऑफ वन इज डबल्ड, मास ऑफ वन इज डबल्ड, फिर आ सकता है इफ मास ऑफ बोथ आर डबल्ड, फिर आ सकता है डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, फिर आ सकता है डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेड 1/2,
फिर ये आ सकता है मास ऑफ बोथ इज ट्रिपल्ड, फिर ये आ सकता है डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेड ट्रिपल्ड। तो आपने जो पहले मैं आपको सिखा दूं 3-4 मार्कर क्वेश्चन में आए तो कैसे करना है, क्योंकि 3-4 मार्कर में वन लाइन में आप सम अप नहीं कर सकते, टीचर विल नॉट अवार्ड यू मार्क्स। तो उसकी भी तरीका आना चाहिए कैसे लिखा जाएगा। और अगर सपोज एमसीक्यू में आ जाए फिर आपके पास टाइम नहीं है, फिर उसे कम से कम टाइम में भी करना है तो वो भी सिखा देता हूं कैसे। देखिए आप इसमें सपोज मैं इसे यहां से क्लियर कर दूं, ये पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। देखिए सपोज कोई एक केस ले लें, लेट अस से मान लो मैं पहला केस लो कि डिस्टेंस इज डबल्ड सपोज, या मासेस दैट, पहले सिंपल ले लें मासेस ऑफ बोथ आर डबल्ड, बोथ आर डबल्ड। तो क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्रिवन देम। तो हम इस तरह से लिखेंगे, फर्स्ट केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गिवन बाय जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको आर दे रखी है, मास एम वन एम टू दे रखे हैं। अब कंडीशन अप्लाई करें तो लेट अस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज एफ डैश। तो जो कंडीशन है सिर्फ वही अप्लाई करें, इसने जी को तो चेंज ही नहीं करना, इसने कहा मासेस ऑफ बोथ आर डबल्ड 2m1 2m2 बट डिस्टेंस कोई चेंज नहीं है आर स्क्वायर। फिर अगेन वी गेट टू इक्वेशंस, वी विल राइट डिवाइड इक्वेशन 1/2, LHS से LHS डिवाइड कर दें और RHS से RHS। सपोज मैं 2/1 कर दूं तो भी एक ही बात है, एफ डैश अपॉन एफ। अगर मैंने लिखा है एफ डैश अपॉन एफ तो पहले ये लिखा जाएगा फिर ये लिखा जाएगा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं करना कि अगर इधर लिखा एफ अपॉन एफ डैश फिर ये अपॉन ये, नो, ये अपॉन ये तो फिर ये अपॉन ये। मैंने लिखा एफ डैश अपॉन एफ तो ये अपॉन ये, पहले ये लिखा जाएगा। इसे मैं कर दूं इस तरह से 4m1 m2 g अपॉन r स्क्वायर, ऐसे लिख दिया 4m1 m2 g अपॉन r स्क्वायर। मैं डिवाइड को इनटू में चेंज कर रहा हूं तो ये इन्वर्ट हो जाएगा आर स्क्वायर, तो जी एम वन एम टू आर स्क्वायर कैंसिलेशन, जी एम वन एम टू ये कैंसिलेशन, तो हमारे पास आया एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू 4। तो देयर फोर एफ डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स एफ। अब आप इसे लैंग्वेज में लिख देना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दिस केस विल बी 4 टाइम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द प्रीवियस केस। तो देखो एक हो गया ये। अब ऐसा भी आ सकता है डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेड 1/2, या डिस्टेंस इज डबल्ड, डिस्टेंस इज ट्रिपल्ड। करना हमेशा ये, आपकी इलस्ट्रेशन के लिए मैं एक और कर देता हूं। सपोज ये कहें कि उनकी डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ा दिया, लेट अस से डिस्टेंस बिटवीन देम इज ट्रिपल्ड। आप इसको ऐसे सीख लो कि आपको कोई क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी ना हो। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। तो फर्स्ट केस में तो आप यही लिखोगे जो आपने लिखा अभी। अब सेकंड कंडीशन में वो कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन देम इज ट्रिपल्ड, तो इस केस में एफ डैश इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन ट्रिपल्ड 3r द होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब फिर वही काम करना है डिवाइड, तो वी विल राइट डिवाइड 2/1, तो एफ डैश बाय एफ, तो एफ डैश मीन्स जी एम वन एम टू अपॉन 9r स्क्वायर। मैंने डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट किया है तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, तो इट विल बी आर स्क्वायर अपॉन जी एम वन एम टू। तो जी एम वन एम टू से ही कैंसिलेशन, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर इज इक्वल 1/9। तो देयरफॉर एफ डैश इज इक्वल टू, इसे इधर लाओगे 1/9 एफ। इसे आप लैंग्वेज में लिखोगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी रिड्यूस टू 1/9 एज कंपेयर टू फोर्स इन प्रीवियस केस। आप सुन लें समरी, फर्स्ट केस में जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर वो लिखना ही लिखना है। अब उसको अगर हार्डर केसेस को टीचर बनाएगा ना तो भी आप कर पाओगे अगर मेरे वाले मेथड से चलोगे। तो मान लो मैं ये कहूं कि एक मास को दोगुना कर दिया, एक मास को तिगुना कर दिया, डिस्टेंस उनमें 5 गुनी कर दिया, बताओ कैसे कर लोगे। ऑब्वियस करना यही है, जो चेंजेस है वो चेंजेस लिखो, दो इक्वेशन बनाओ उनका डिवाइड कर दो, यू विल गेट द रिजल्ट कि कितने टाइम्स हो जाएगा, तो सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। ओके, यही मेथड यूनिवर्सली फॉलो करो। बट अगर सपोज ये आ जाए वन मार्कर में कि मासेस दोनों डबल कर दें तो बताओ कितना होगा, तो आपने फिर क्या करना है, आपने ये देखना है कि चेंज कहां आया, न्यूमिरेटर में या डिनोमिनेटर में, और कितना आया। जैसे सपोज
इसने कहा मासेस दोनों डबल कर दें। मासेस दोनों डबल करने का मतलब दो का इफेक्ट न्यूमिरेटर में आया एंड दो का इफेक्ट एक और न्यूमिरेटर में आया, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आया। पहले का मास दोगुना किया, इफेक्ट दो आ गया, दूसरे का मास दोगुना किया, डिस्टेंस को चेंज नहीं किया। तो अगर दोनों का मासेस डबल कर दोगे तो नया फोर्स चार गुना ऑफ, फोर टाइम्स ऑफ न्यू फोर्स हो जाएगा। आप देखा बिना उसके भी करोगे। इसने कहा मास ऑफ बोथ आर डबल, चेंज कहां आया, चेंज आया न्यूमिरेटर में। अगर न्यूमिरेटर में आया तो मैंने न्यूमिरेटर में चेंज कर दिया। मैं फिर एक और बताता हूं एग्जांपल। अगर सपोज ये कहें डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ, अब न्यूमिरेटर में कोई चेंज नहीं है, ध्यान रखना। अगर कहें डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ और वन मार्कर क्वेश्चन है, तो हम लिखेंगे न्यूमिरेटर में कोई चेंज नहीं है, वो तो ये है, और डिनोमिनेटर में क्योंकि स्क्वायर का रिलेशन है और आपने हाफ कर दिया तो हाफ का स्क्वायर। इस सिंप्लीफाई करेंगे, वन होल अपॉन वन अपॉन फोर इज इक्वल टू फोर, तो देयरफॉर नया फोर्स इज इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ पुराना फोर्स, दैट इज अगेन फोर्स विल बिकम फोर टाइम्स। अगर दोनों में डिस्टेंस आधी कर दोगे तो फोर्स चार गुना हो जाएगा। कैसे किया, क्या चेंज आया न्यूमिरेटर में, क्या चेंज आया डिनोमिनेटर में, सिंपलीफिकेशन। ना एम वन एम टू लिखो, ना जी लिखो, ना इक्वेशन बनाओ, ना डिवाइड करो। तो इस तरह से, और इसमें एक और चीज बता दूं आपको, क्योंकि मैथमेटिक्स और फिजिक्स हर चीज कनेक्टेड होती है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूं कैलकुलेशन में ऐसे ब्लंडर करते हैं कि टीचर को विश्वास नहीं होता कि आप 9th और 10th के स्टूडेंट हो। तो मैं सीख लो, मैं बता दूं कैसे। जैसे मैं देखता हूं स्टूडेंट को, कई इतने साल हो गए पढ़ाते हुए बच्चों को, जैसे मान लो कोई कैलकुलेशन को दे कोई आपको, लेट अस से इस तरह का केस लें, मान लो दिया 3/8 होल अपॉन 5, ठीक है। दूसरा केस 3/5/6 और केस 1/2/3/4। इसमें बच्चों को ये नहीं पता कहां मल्टीप्लाई कहां डिवाइड क्या करना है। पहली बात तो समझ लो, इसे मैं कह रहा हूं अपॉन, इसे मैं कह रहा हूं होल अपॉन। याद रखना प्रेजेंटेशन में होल अपॉन वाली बड़ी होनी चाहिए, सो दैट टीचर को देखते ही समझ आ जाए कि ये अपॉन है, ये होल अपॉन है, ठीक है। आप सबका रूल सीख लो। रूल ये है, न्यूमिरेटर तो सेम लिख दो। जैसे मैं आपको तीनों केस बताता हूं, जैसे सपोज ये केस हो, न्यूमिरेटर तो सेम लिख दो, 3/8 इसका होगा तो 3/1 इसका होगा तो 1/2। मैंने पहले इसका लिखा है 3/8, 3/1 फिर मैं लिखा 1/2, ओके। न्यूमिरेटर सेम लिख दो, उसके बाद इनटू कर दो, इनटू कर दो कोई सा भी केस हो। इसके बाद डिनोमिनेटर को इन्वर्ट कर दो, जैसे 3/8 के नीचे था 5/1, इसे कर दो 1/5, तो बन जाएगा 3/40। ये इसका आंसर होगा, यानी इसका आंसर 3/40 होगा, गलती ना हो जाए बिल्कुल भी। सेकंड मैंने लिया 3/1/5/6, जो आपको मैंने बताया न्यूमिरेटर सेम लिख दो, इनटू कर दो, जो 5/6 है ना इसे 6/5 कर दो, 18/5, तो इसका आंसर ये आएगा 18/5। 5/6 है, ये इन्वर्ट होगा 6/5। थर्ड केस मैंने लिया ये वाला 1/2, 1/2 ये है, डिवाइड को इनटू कर दो, 3/4 से 4/3 कर दो और इसे कैंसिलेशन 2 कर दो, तो इसका आंसर 2/3 आएगा, यानी इसका आंसर 2/3 आएगा। 1/2, 3/4 विल बिकम 1/2, 4/3। तो आप ये समझ लें, अगर हमारे पास है, ऐसा है p/q होल अपॉन r/s, तो याद रखना p/q सेम लिख दो, डिवाइड को इनटू कर दो, r/s को s/r कर दो, दैट इज p/s/q/r। इट इज द गोल्डन रूल पूरे मैथमेटिक्स में, अगर आप ऐसे अप्लाई करके चलोगे तो आपकी कहीं गलती हो ही नहीं सकती। और बहुत सारे स्टूडेंट सारी नॉलेज देने के बाद भी मुझे कई बार आई गेट एनॉयड कि मैं आपको इतनी नॉलेज देता हूं, इसके बाद आप वो मिस्टेक करते हो जो 6th, 7th, 8th के बच्चे करते हैं, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। तो इसलिए मैं अपनी इस क्लास में भी, या रादर पहले भी बताया होगा और सब्सिक्वेंट क्लासेस में भी, जहां स्टूडेंट बहुत ज्यादा गलती करते हैं ना, उसे बड़ी बारीकी से बता देता हूं कि यहां पर ना करना, अदरवाइज नॉलेज दी हुई बेकार हो जाती है। तो आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट वाइज समझ आई हो तो, और अच्छा सा एक लाइक दे दो, अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को, और वीडियो जरूर शेयर कर लो। और आपको चैनल सरोजा क्लासेस पे पूरी 9th और पूरी 10th की फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स कॉन्सेप्ट बेस्ड नॉलेज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और स्टिल इफ यू फील एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी डाउट,
ऑल आर फ्री टू आस्क, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस भी इतना रिच है कि आई कैन आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. मेरे पास बुक्स का भी स्टॉक है, मेरे पास नॉलेज का भी स्टॉक है, तो आई वॉन्ट टू डिलीवर मोर एंड मोर टू यू. तो ट्राई टू टेक मैक्सिमम एडवांटेज फ्रॉम मी, मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम मी, एंड स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.